हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में, मतलब इसको लिंग का संक्रमण भी बोल सकते हैं। अब ये किसी भी कारणवश हो सकता है, किसी इन्फेक्शन से हो जाए या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल से भी हो सकता है। इसके जो भी रीजंस हैं, जो भी कोजेज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में और इसके इलाज के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर वो इसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस कंडीशन में समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो इसको हम कैंडिडा बेलेनाइटिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक ईस्ट है, फंगस है, उसका नाम कैंडिडा है, जिसके थ्रू ये संक्रमण होता है। तो बात करेंगे इसके कोजेज की कि कैसे ये कोज हो सकता है आपके पेनिस में। तो फर्स्ट जो रीज़न होता है इसका, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमन हैव वेजाइनल इन्फेक्शन। तो ऐसी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए जिसके ऑलरेडी वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो इससे आपके अंदर भी ये कोज हो सकता है या 100% होगा ही। इसके अलावा इन्फेक्शन ड्यू टू फंगस, जो कैंडिडा फंगस है, वो किसी कारणवश आपके पेनिस में फैल जाए, इसके थ्रू भी ये हो सकता है। इसके अलावा पुअर हाइजीन इन पेनाइल एरिया, आपका जो पेनाइल एरिया है, अगर आप उसमें प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा डू नॉट क्लीन योर पेनिस प्रॉपरली, वही है, हाइजीन से रिलेटेड हो गया। अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण्स हो गए लिंग इन्फेक्शन के और जो पेनिस फंगल इन्फेक्शन है उसके। अब देखिए कि एक ये हमारा नॉर्मल पेनिस है, जिसके ग्लैंड्स और फोर स्किन पे कोई भी दाग, रेड स्पॉट कुछ भी नहीं है, वाइट स्पॉट कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इन्फेक्शनस पेनिस होगा उसमें देखिए रेड स्पॉट्स होंगे, वाइट स्पॉट्स होंगे, ब्लोची रेसेस होंगे, चकते दिखाई देंगे, लंपी डिस्चार्ज दिखाई देगा। तो ये कुछ लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं कैंडिडा बेलेनाइटिस के और लिंग इन्फेक्शन के। तो बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, पता कैसे लगाया जाता है कि ये आपको लिंग इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेनिस किया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक पता लग जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ ब्लड, यूरिन और जो भी सैंपल लिया जाता है आपके पेनिस से, उससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस, आप जैसे बताएंगे डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को, उसके अकॉर्डिंग वो डायग्नोस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो गई ऑफ लिंग इन्फेक्शन की। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का मतलब कि आप पहले से ही सतर्क रहिए, तो ये चीज़ आपको होगी ही नहीं। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करेंगे, अगर आप सेक्स कर भी रहे हैं किसी वूमेन के साथ, तो प्रोटेक्शन का यूज़ ज़रूर करें, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके अलावा अपने पेनाइल एरिया को मेंटेन रखिए, हाइजीन रखिए, जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। क्लीन योवर पेनिस प्रॉपरली। इसके अलावा जो डर्टी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शनस वायरस फैला हुआ होता है। तो ये कुछ हो गए प्रिवेंशंस। अब बात कर लेते हैं हम, प्रिवेंशन तो हमारा हो गया, अब इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इसका कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंगल, जो एंटी फंगल ड्रग है, वो यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं मेन इंटीमेंट वोस की, कि अगर आप हाइजीन रहेंगे तो आपको ये होगा ही नहीं। तो आप इंटीमेंट वोस यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का इंटीमेट वोस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुमेंस के लिए इंटीमेट वोस आते हैं, वैसे ही मेंस के लिए भी आते हैं। तो इससे आप प्रॉपरली क्लीन रहेंगे, हाइजीन रहेंगे। बात कर लेते हैं ओरल मेडिसिन्स की, जो आप यूज कर सकते हैं। तो ओरल मेडिसिन में बेसिकली यूज़ की जाती है एंटी फंगल ड्रग्स।
एंटी फंगल ड्रग्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की आती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लें फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल एक स्ट्रिप में एक ही टेबलेट आती है जो वीकली आपको लेनी होती है। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल के अलावा इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल भी एक एंटी फंगल ड्रग है जो बेसिकली 7 की या 10 की पैकिंग में आती है, जो बेसिकली अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है आपको तो 2 टाइम लेनी है, अगर कम इन्फेक्शन है तो 1 टाइम लेनी है, जिससे आपको कम से कम दो कोर्स तो करने ही होंगे। इसके अलावा मेट्रानीडाजोल और टीनीडाजोल भी हमारा आता है जो फंगल इन्फेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक क्रीम आपको यूज़ करनी है जो आगे हम क्रीम्स में देखेंगे। तो ये कुछ डायग्राम्स भी हैं, कैंडी फोर्स आता है, कैंडी ट्राल आता है, इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स आते हैं। ये इट्राकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, मेट्रानीडाजोल हो गया, तो ये कुछ मेडिसिंस हैं जो जनरली आप यूज कर सकते हैं, बट फिर भी आप डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें एक बार अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो। ऑइंटमेंट और क्रीम की बात कर लेते हैं, तो ऑइंटमेंट क्रीम में भी हम एंटी फंगल क्रीम्स का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारी हो गई लोलीकोनाजोल। लोलीकोनाजोल एक बहुत ही अच्छी क्रीम है, अच्छी एंटीबायोटिक्स है, अच्छी एंटी फंगल ऑइंटमेंट है, क्रीम है जिसका यूज़ पेनिस फंगल इन्फेक्शन में किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल में भी क्रीम आती है जिसका यूज किया जाता है, और इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल जो कैंडिड हमारी क्रीम आती है ऑइंटमेंट आती है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन के अंदर। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा जो फ्लूका है, मतलब फ्लूकोनाजोल इट्राकोनाजोल क्रीम में आप यूज करेंगे लोलीकोनाजोल, इनको रेगुलर 1 मंथ तक आप यूज किए, ज़्यादा कितना भी इन्फेक्शन हो आपका सभी इन्फेक्शन दूर हो जाएगा आपका और आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ क्रीम्स हो गई, जैसे कैनेस्टन है हमारी क्लोट्रिमाजोल 1% में, फ्लूसिड है फ्लूकोनाजोल और लोलीकोनाजोल लोलीफिन हो गई हमारी। तो वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप वीडियो हेल्पफुल है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी मेंस में देखने को मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं।